उसको नीचे 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 भैया वोट नीचे कीजिएगा तब ना चेहरा आएगा, चेहरा ढक गया। नाराबाजी क्या करेगा हम लोग, नाराबाजी कीजिए। किसी भी आई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। एपीएससी में हुए घोटाले किसी भी आई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। एपीएससी में हुए घोटाले किसी भी आई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। एपीएससी में हुए घोटाले किसी भी आई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी। एपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एपीएससी अध्यक्ष को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। झारखंडी युवाओं को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंडी युवाओं को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंडी युवाओं को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठीक नहीं, अधिकार चाहिए जीने के लिए, रोजगार चाहिए। ठीक नहीं, अधिकार चाहिए जीने के लिए, रोजगार चाहिए। ठीक नहीं, अधिकार चाहिए जीने के लिए, रोजगार चाहिए। ठीक नहीं, अधिकार चाहिए जीने के लिए, रोजगार चाहिए। झारखंड सरकार खोलो कान, आइए ओझा जी, ये पीछे ही बैठ जाए ना। और ये सोहन है अपना है, बाइक ले सोहन है अपना। ओझा जी आइए ना पीछे, बोले ना पीछे गई, ये अभी कहाँ कुछ हम लोगों को लगता है कि अध्यक्ष की भी संलिप्तता है इसमें, जेपीएससी जी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी सहभागिता है इसमें पूरे प्रकरण में। बाजार में बेचने का काम ये सरकार कर रही है, भविष्य को अंधकार करने का काम किया गया है। सीबीआई करानी होगी, होगी काम किया गया है। ये अपने बाजी हम लोग नहीं चलते थे, करानी होगी। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर बैठे एग्जाम देने के लिए, जो जाँच में आप देख रहे प्रकरण आया है, कहीं ना कहीं पूरी रूप से थमका और धांधलीबाजी है। हम लोग मांग करते हैं जोर से बोलिए। इस हिसाब से झारखंड प्रदेश के युवाओं के साथ यह सरकार छल कर रही है, कपट कर रही है। और जिस तरह से नौजवानों के रोजगार मांगने पर, नौकरी मांगने पर लाठियां बरसा रही है, पाप का घड़ा इस सरकार का भर गया है और बहुत जल्द यह पाप का घड़ा इस सरकार का फूटेगा। जेपीएससी में राज्य के पद, पैसा और पावर के हिसाब से ये लोग अधिकारी बनाना चाहते हैं, पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, जो आने वाले झारखंड के लिए अहितकर है और पूरा झारखंड लूटखंड में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। छात्र इसका लगातार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं के साथ छला जा रहा है। यहाँ होने वाली नियुक्ति, जो जेपीएससी के बारे में जो नियुक्तियाँ निकली थी, वह नियुक्ति घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई।
लगातार जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब जाते हैं, तो हेमंत सोरेन जी की सरकार उनके ऊपर लाठी डंडों के सहारे युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आज हम लोगों ने भी, मैंने भी विधानसभा में कार्यसदन लाया है कि यह सरकार जो जेपीएससी में घोटाले हुए हैं, विभिन्न प्रकार के नियुक्तियों में जो घोटाले हुए हैं, हमारे अनुबंध कर्मी पीएचडी के कर्मी विधानसभा में सरकार यह बात कहती है कि हम कोई भी कर्मी को नहीं हटाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पीएचडी विभाग में अनुबंध कर्मी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और जो आवाज़ उठाते हैं उनको लाठी डंडे के सहारे ये सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। इसलिए पूरे मामले को लेकर के हम सब लोग सीबीआई जांच की मांग